हे सो हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड यू वाचिंग वीके 24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 10 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपना करंट अफेयर का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन 9 जनवरी से कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है पुणे में, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन पुणे में हुआ है। याद रखिएगा कि 11 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, 11 दिवसीय खेल चलेंगे और 18 खेल इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें 9000 खिलाड़ी जो है शामिल हो रहे हैं। तो आपको 9000 की जगह कहीं पर जो है 6000 भी दिख जाए, मैं देखा था कुछ न्यूज़पेपर में 6000 भी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज़ भी। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 9000 ही लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 9000 लिख दिया। तो कमेंट करके बार बार कई लोग पूछते हैं ये 6000 नहीं 9000 था, 9000 नहीं 6000 था, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। ओके, खेलो इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, 9000 खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो उत्तर प्रदेश के जिमनास्ट मोहम्मद रफ़ी और पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा सामंत ने जीता है। ठीक है, 9 तारीख को ये खेल शुरू हुए हैं और 9 तारीख को इन दोनों ने ये गोल्ड मेडल जीता है जिमनास्ट का। खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी और इसकी मेज़बानी 2018 में की थी दिल्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा, इस बार पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हो रहा है और पिछली बार हुआ था दिल्ली में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ पॉइंट। महाराष्ट्र गठन हुआ था 1 मई 1960 को, राजधानी है मुंबई और ज़िले हैं 36। लोक नृत्य की बात करें तो लावणी यहाँ का लोक नृत्य है, राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं NH पाटिल और सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए 19 सीटें, लोकसभा के लिए 48, विधानसभा के लिए 288 और विधान परिषद के लिए 78 सीटें हैं महाराष्ट्र से। साक्षरता दर है यहाँ पर 82.34% और लिंगानुपात है 929। ठीक है, तो आपको ये चीज़ महाराष्ट्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य दिख रहे हैं आपको, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर से ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है। ठीक है, देश में कौन से नंबर का राज्य है ये क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आता है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, जो भी हो कमेंट करके मुझे बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि 8 जनवरी को विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक संभावना रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2018-2019 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, 7.3। अभी विश्व बैंक की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें संभावना जो है व्यक्त की जाती है कि कितनी जीडीपी हो सकती है आने वाले टाइम में विभिन्न देशों की, तो उसमें ये कहा गया है कि 2018-2019 में, मतलब अगले साल की अगर हम बात करें, भारत की जो जीडीपी होगी वो 7.3 होगी। ठीक है, सॉरी, इस साल की अगर हम बात करें 2018 के मध्य से शुरू हो गया, अभी 2019 का जो आपका जीडीपी जो रहेगा वो 7.3 रहेगा। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि 2019 और 2020 की जीडीपी जो है वो 7.5% रहेगी। ठीक है, तो अभी 7.3% और आने वाले टाइम में यानी कि 19 और 20 में 7.5% रहेगी भारत की जीडीपी। ठीक है, ऐसा विश्व बैंक का कहना है। साथ ही साथ विश्व बैंक ने एक बात और कही है, यहाँ पर कहा है कि आने वाले टाइम में भारत की जीडीपी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जीडीपी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तीन पॉइंट हैं, बस तीन ही पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 9 जनवरी को निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का 105वां सदस्य बन गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी यानी कि ICC का 105वां सदस्य बन गया है। अब ये ICC का सदस्य होने के नाते इसको सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, ICC की तरफ से जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं वो अब अमेरिकन जो है क्रिकेट को भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही जो है एसोसिएट सदस्य के तौर पर 93वां ये सदस्य बन चुका है। तो ICC जो है अलग अलग तरीके के सदस्य देता है, जैसे पूर्ण सदस्यता हो गया, एसोसिएट सदस्यता हो गया और सहयोगी सदस्यता हो गया। तो यहाँ पर से आप लोग ये देख पा रहे होंगे और पढ़ना चाहते होंगे तो पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर से इतना याद रखिएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से ये पूछा जाएगा, अगर एसोसिएट सदस्य आएगा तो 93वां हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का कौन सा सदस्य बन गया है, तो 105वां सदस्य बन गया है। इसी तरीके से अब USA क्रिकेट के पास ये अधिकार है कि वो अमेरिका
में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए मंजूरी प्रदान कर सकता है। इसी तरीके से आईसीसी के सीईओ कौन है, तो डेविड रिचर्डसन जो है वो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि 18 जनवरी से राष्ट्रीय बिलियार्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, यानी कि इंदौर में। ठीक है, इंदौर में किया जाएगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश इंदौर में किया जाएगा 18 जनवरी से, तो इसके बारे में हम लोग ऐसे बाद में भी बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। वैसे ना 10 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा, जो भी इसमें विजेता होगा उसको 10 लाख रुपये जो है इनाम के तौर पर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि इंदौर में जो है इसका आयोजन हो रहा है, इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर से कुछ पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिले हैं 52, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री एस के सेठ। और विधानसभा की अगर बात करें, सीटों की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा के लिए 231 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से हमको दिख रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा किससे किससे लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर से छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है और साथ ही साथ है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 5 की कि हाल ही में ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है, ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, पहले भारतीय कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रवण आर मेहता। ठीक है, प्रवण आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले जो है पहले व्यक्ति हो गए हैं, पहले भारतीय ये बन गए हैं। वर्तमान में प्रवण आर मेहता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, तो बस इतना ध्यान होना चाहिए। अगर बात करें हम ग्लोबल सोलर काउंसिल की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन DC में, और 6 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जब सम्मेलन हुआ था उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ग्लोबल सोलर काउंसिल को, तो इसमें जो है 30 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सौर ऊर्जा को जो है बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें विभिन्न देश जो है शामिल हैं, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पर से पहले व्यक्ति ये बन गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मैंने आपके लिख दिए थे यहाँ पर पॉइंट, जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ रक्षा वेतन पैकेज का लाभ लेने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय सेना के बीच में जो है एक समझौता हुआ है, जिसके तहत जो भी रक्षा वेतन पैकेज है इसका जो है लाभ लिया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, इसके लिए जो है कई मतलब सुविधाएँ जो है PNB भारतीय सेना को देगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ये जो है लाभ होंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो भी जो भारतीय सेना के जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको जिनका खाता PNB में होगा, उनको जो है इससे कई लाभ मिलेंगे, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर वो वर्तमान में हो। ठीक है, यहाँ पर से देखिएगा ये समझौते की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, यानी कि ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं आप 0.7 मतलब 75,000 से 3 लाख रुपए तक का। इसमें मुफ्त रक्षा प्लस योजना है, जो कि PNB की भी योजना है, तो इसमें जो है मतलब कई सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि आपको कम मतलब जैसे अकाउंट जो है वो आपका 0 बैलेंस पर खुल जाएगा, और ब्याज जो है ज़्यादा मिलेगा और लोगों के कंपेयर में, या फिर आपको और भी कई सुविधाएँ दी जा सकती है। ट्रांजेक्शन की जो लिमिट होती है उसको बढ़ाया जाता है, मतलब जैसा होता है ना कि 5 ट्रांजेक्शन पर हमारा पैसा कटेगा या फिर 3 ट्रांजेक्शन पर पैसा कटेगा, बैंकें टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती हैं, लेकिन इनके लिए जो है ये कई तरीके की मतलब सुविधाएं इस टाइप की बैंक उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसी के लिए जो है मतलब भारतीय सेना और PNB के बीच में ये समझौता हुआ है, साथ ही साथ कम लागत में लॉकर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और PNB के MD और CEO हैं सुनील मेहता, इसी तरीके से PNB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि 8 जनवरी को RBI ने डिजिटल भुगतान पर एक समिति का गठन किया है, हमको इस समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि नंदन नीलेकणी को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है,
और ये जो समिति है ये प्रत्येक 3 महीने में आरबीआई को डिजिटल भुगतान से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब डिजिटल भुगतान की समीक्षा करने के लिए जो है इस समिति को बनाया गया है। ये बताएगी कि मतलब सुझाव देगी कि डिजिटल भुगतान को किस तरीके से और मजबूत किया जाए या फिर और सुरक्षित बनाया जाए। ठीक है, याद रखिएगा 3 महीने में ये आरबीआई को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी करेगा मिस्र, ठीक है, यानी कि इजिप्ट। यहाँ पर से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और मिस्र में जो है 5वीं बार जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और मिस्र की राजधानी कायरा है और राजभाषा यहाँ की है अरबी, और जो मुद्रा है यहाँ की वो है मिस्री पाउंड, ठीक है, या फिर इजिप्टियन पाउंड, आप जो भी बोलें। तो इंग्लिश नेम इजिप्ट हो गया और इसको हिंदी वगैरह में बोलते हैं मिस्र। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि हाल ही में नियुक्त होने वाली ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर महासचिव का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्सरा रेड्डी। ठीक है, अप्सरा रेड्डी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर महासचिव है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको नाम पता होना चाहिए। इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। ठीक है, जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरे नंबर पे इसमें सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों के पासपोर्ट को रखा गया है। इसी तरीके से तीसरे स्थान पे फ्रांस और जर्मनी के पासपोर्ट को रखा गया है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये इनकी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। तो यहाँ पर से आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है आप लोग यहाँ पर से याद रख सकते हैं अगर रखना चाहेंगे, लेकिन टॉप 3 जो मैंने बताए हैं वो जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में किस परियोजना में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वाला, पुलावरम परियोजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे में 32,100 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल इसने किया है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलावरम परियोजना के बारे में एक दो दिन पहले हमने बात की है। ये जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश अमरावती में स्थित है। ठीक है, एक बहुउद्देशीय परियोजना यह है। मैंने क्या बताया था आपको, पुलावरम परियोजना किस नदी पर बनी हुई है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। बस 2 दिन पुराना हमारा ये क्वेश्चन था, 2 दिन पुराना इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि उद्घाटन से संबंधित था। मैंने आपको बताया था उसमें ये, तो मैंने बताया था कि कौन सी नदी पर यह स्थित है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी नदी पर यह पुलावरम परियोजना स्थित है। पहले जो ये रिकॉर्ड था पुलावरम परियोजना से पहले वो अल राशिद टावर के पास में था, दुबई में ये टावर था। ठीक है, मई 2017 में इसने 21,580 घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया था और यही जो रिकॉर्ड था इसका ये हमने तोड़ा है। ठीक है, पुलावरम परियोजना में, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन आपके लिए कल का था कि निम्न में से किसे 2018 ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, स्मृति मंधाना को चुना गया है। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन था आपके लिए कि 2 जनवरी 2019 को रमाकांत आचार्यकर का निधन हो गया, वे किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी के कोच थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। इसके बाद अब बात करते हैं आपके लिए आज से कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोग को आता होगा तो। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कल ही मैंने बताया इनके बारे में, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को जानते इनके बारे में डिटेल से जानते होंगे तो आप लोग कमेंट करके वो भी लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।